तो हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके इस पर एक लाइन खींच देता हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, दोनों एक्स वाई की तीन कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ और फिर ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करता हूँ। कितना ईजी है बच्चों ये। तो देखो, एक्स हो जाएगा 8 माइनस 3 वाई। तो देखो, एक्स आ गया 8 माइनस 3 वाई। अब मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करूँगा और एक्स की वैल्यू आती रहेगी, है ना। यहाँ पे एक और, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं वाई को यहाँ पर रखता हूँ 0, तो एक्स आ जाएगा मेरे पे 8। कितना इजी था है ना। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वाई को मैं रखता हूँ 1। वाई को अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 1 3। और अगर मैं 8 में से 3 घटाऊंगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे 5। कितना ईजी है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इस पे मैं ना माइनस ना रख के ना, मैं एक काम करता हूँ, इस पर 2 रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर वाई 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 होता है बच्चों 2। सिंपल है ना, सिंपल। तो कितना इजी है ये। देखो, तीन कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, यहाँ पर भी तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, प्लॉट कर देने हैं, सिंपल। तो देखो, ये हो जाएगा सिंपल सिंपल, तो पहले से मुझे गिवन है। तो एक्स हो जाएगा देखो 2 प्लस 2 वाई होल अपॉन 3, है ना। अब मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट के, एक्स वाई। तो देखो, वाई अगर मैं एक काम करता हूँ, वाई को अगर मैं, या देखो मैं थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे भी सब बड़े हैं ना, पॉइंट में लाने की कोशिश मैं नहीं करता इस पे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको वाई को 2 ले लेता हूँ, तो देखो 2 2 4, 4 प्लस 2 6, और 6 अपॉन 2 होता है 3 2, है ना। 3 2 6 होता है। देखो, वाई अगर मैंने 2 रखा तो एक्स भी मेरा 2 आ गया। अब वाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ वाई की वैल्यू। तो वाई अगर मैं 5 रखा, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, और 3 4 जो होता है 12, है ना। तो देखो, ये डिवाइड 12 अपॉन 3 हो जाएगा 4, तो ये एक्स आ गया 4। अगर अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वाई रखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ वाई, क्या रखा जाए, रखा जाए, रखा जाए, वाई रखता हूँ मैं 3 3 2 6 7 8, नहीं पॉइंट में आ रहा है। वैसे तो पॉइंट में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चलो ऐसा नहीं करते हैं। देखो देखो देखो, कुछ दिमाग लगाओ क्या करा जाए। अगर मैं 6 6 2 12, 6 2 12 13 14, नहीं 7 2 14 15 16, 8 2 16 17 18। अगर मैं इसको 8 रखता हूँ, अगर मैं वाई को 8 रखता हूँ, 8 2 16 17 18, और तो 18 बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 5 15, 3 6 18, तो एक्स आ जाएगा मेरे पे 6। तो देखो कितना आ गया, देखो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं मेरे पे। अब इसको मैं सिर्फ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ। देखो, पहला है एक्स एक्सिस में है, एक्स में है 8,0, तो 8,0 एक्स में है, 8 वाई में है 0। तो बच्चों यहाँ पे ये है जो, ये है ये वाला पॉइंट है जो, ये हो जाएगा बच्चों 8,0। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब देखो, दूसरा है 5,1, 5,1, तो यहाँ पे है ये, तो 5,1, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 5,1। सेकेंड कोऑर्डिनेट भी हो चुका है, थर्ड है 2,2, तो ये हो जाएगा 2,2। यहाँ पे 2 ये है और 2 ये है, तो ये हो जाएगा 2,2। तो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन रही है, तो मैं यहाँ पर अभी स्ट्रेट लाइन इसका बना लेता हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन है, और बच्चों ये वाली जो स्ट्रेट लाइन, ये x+3y=8 है। ये ना भी लिखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये प्लॉट कर दो, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली निकालता हूँ, सेकंड वाली है 2,2। देखो, 2,2 तो पहले से ही है इस पे, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है 4,5, तो देखो 4 और 5, तो ध्यान से देखो, मैं जूम इन करता हूँ, 4,5, ये 4 है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये है 5। तो देखो, यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, तो ये है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है बच्चों 4,5। तो देखो 4,5 आ चुका है। दूसरा है 6,8, तो देखो 6 यहाँ पे है और 8 है यहाँ पे, देखो ये 7 है, ये 8 है,
यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये बच्चों है 6.8। तो देखो 6.8 भी है, 4.5 भी है, 2.2 भी है। अब मैं इसको इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो देखिए तो देखो ये मेरे पे ग्राफ आ गया है दोनों स्ट्रेट लाइन का, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे 3x=2 + 2y अगर आप लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऐसे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पे, तीन 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 मैंने कोऑर्डिनेट बनाए और एक तीनों स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी ईजी होता है बच्चों ये प्लॉट करना, बस इसको सॉल्व करो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पॉइंट में आएगा आंसर तो कोई उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में बिल्कुल आएगा, एग्जैक्टली सही होता है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर